दोस्तों एम्स के लिए जो स्टे वैकेंसी राउंड है 119 एमबीबीएस की सीट्स के लिए होना था वो 14 जनवरी 2021 को कंप्लीट हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स को सीट मिली है उनको कंग्रेचुलेशन, और जिन कैंडिडेट को सीट्स नहीं मिली हैं वो कैंडिडेट परेशान ना हो, वो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें। इस साल जो एग्जाम होनी है उसके लिए समय कम बचा है, हो सकता है उनको एम्स दिल्ली भी मिल जाए, तो उनको तैयारी करनी है। अब हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसकी ओवरऑल कट ऑफ यूआर कैटेगरी की 611 रही है, क्योंकि 610 के सभी कैंडिडेट को सीट्स नहीं मिली है। तो कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी की 611 रही है। अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो आपको याद होगा जब एम्स की वैकेंट सीट आई थी 119 सीट, 10 या 15 दिन पहले मैंने वीडियो बना के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, उसमें 613 कट ऑफ बताया था, मतलब कि 2 मार्क्स डाउन रहा। इससे पहले भी मैंने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की ही बिल्कुल एक्यूरेट गई थी। तो मैं आपको यहां अभी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स पर कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला है वो ओवरऑल कट ऑफ बताएंगे, इसके बाद में पुराने एम्स कितने मार्क्स पर मिले हैं वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के 15,692 मार्क्स थे, सॉरी रैंक था, और 610 मार्क्स थे, उनको एम्स जम्मू मिला है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 16,124 रैंक पर जिसके 608 मार्क्स थे उनको गुवाहाटी मिला है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो 16,140 रैंक वाले कैंडिडेट जिसके 608 मार्क्स थे उनको एम्स कल्याणी मिला है। अभी हम बात करें एससी कैटेगरी की तो जिन कैंडिडेट के 82,623 रैंक था और उसके मार्क्स 505 थे उसको एम्स मंगलागिरी मिला है। बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी कैंडिडेट जिनके 1,02,58 रैंक था, 484 मार्क्स थे, एम्स गुवाहाटी मिला है उन कैंडिडेट को स्टे वैकेंसी राउंड में। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट की बात करें तो 6,96,928 रैंक को जिसके 142 मार्क्स थे एम्स मंगलागिरी मिला है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। तो ये तो हो गई ओवरऑल कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अब पुराने एम्स की बात करें तो पुराने एम्स में यूआर कैटेगरी में एम्स जोधपुर में एक सीट वैकेंट थी, उसमें ये सीट 10,685 रैंक वाले कैंडिडेट जिसके 623 मार्क्स थे यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट को मिली है। मैं आपको बता दूं कि जो मोपअप की कट ऑफ रही थी एम्स जम्मू की वो 628 रही थी, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में एक यूआर सीट यानी इस यूआर सीट वाले कैंडिडेट को 623 मार्क्स पर एम्स जोधपुर मिल गया, लेकिन इस कैंडिडेट ने रिस्क लिया था। इसके बाद में बात करें हम भुवनेश्वर की तो भुवनेश्वर में ओबीसी की 8 सीट वैकेंट थी, इस एक सीट जिस कैंडिडेट के 14,919 मार्क्स थे 611 मार्क्स पर इसको एम्स भुवनेश्वर मिला है। अब एम्स ऋषिकेश में ओबीसी की 3 सीट वैकेंट थी जो 612 कैंडिडेट वाले मार्क्स को मिली है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की 1 सीट थी 15,118 यानी कि जिसको 611 मार्क्स थे। उसके बाद एक सीट एससी कैटेगरी की थी जिस कैंडिडेट के 68,376 रैंक था, 523 मार्क्स थे, उसको एम्स ऋषिकेश मिला है। इसके बाद में हम बात करें एम्स भोपाल की तो ओबीसी की इसमें 2 सीट वैकेंट थी,
14,860 रैंक पर जिसके 612 मार्क्स थे एम्स भोपाल मिला है। इसके बाद में एम्स रायपुर की बात करें तो ओबीसी की दो सीट वैकेंट थी 15,061 रैंक पर जिसके 611 मार्क्स थे एम्स रायपुर मिला है। इसके बाद में एम्स पटना की हम बात करें ओबीसी में एक सीट वैकेंट थी 14,989 यानी कि 611 मार्क्स पर सीट मिली है इसको। इसके बाद एससी कैटेगरी की दो सीट वैकेंट थी 78,109 रैंक वाले कैंडिडेट जिसके मार्क्स 510 थे उनको एम्स पटना मिला है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एम्स पटना 85,892 रैंक वाले कैंडिडेट जिसके 501 मार्क्स थे उसको एम्स पटना मिला है। तो दोस्तों स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो कट ऑफ है वो काफी कम गई है, लेकिन ये सारा रिस्की है। जिन कैंडिडेट ने रिस्क लिया है और जो कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि हम ड्रॉप कर लेंगे या तो हमें एम्स मिलेगा या फिर हम ड्रॉप कर लेंगे, वो कैंडिडेट भी अभी रुके हुए थे, और जिन कैंडिडेट को कहीं सीट नहीं मिली थी वो कैंडिडेट भी अभी रुके हुए थे। इसलिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो कट ऑफ है मोपअप की कट ऑफ और एम्स की कट ऑफ को देखते हुए ये बहुत ही डाउन कट ऑफ है एम्स की, क्योंकि हम मोपअप की कट ऑफ की बात करें तो 628 में लास्ट जम्मू मिला था और अभी 610 में लास्ट ये कैटेगरी मिल रहा है जम्मू। तो इस प्रकार से ये रही है कट ऑफ। अभी काफी स्टूडेंट मेरे को ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स थे, मेरे को तो मैं अगर रिस्क लेता तो एम्स ऋषिकेश मिलना था, मेरे को एम्स भोपाल मिलना था, जोधपुर मिलना था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सारे कैंडिडेट ही इस चक्कर में रहते स्टे वैकेंसी राउंड के तो इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जानी थी। ये तो जिन कैंडिडेट ने रिस्क लिया या जिनको कहीं सीट नहीं मिली इसी वजह से ये कट ऑफ डाउन रही है। और दूसरी बात मैं आपको ये क्लियर बता देता हूं, आपको एम्स कोई भी मिले, आपको एम्स कोई भी मिले, एम्स जम्मू मिले या एम्स दिल्ली मिले, आपकी एमबीबीएस की जो स्टडी है उस पर डिपेंड करता है। एक एम्स दिल्ली वाला स्टूडेंट भी लास्ट में इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है जितना कि एम्स जम्मू या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से किया हुआ स्टूडेंट भी अच्छी प्रोग्रेस कर जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई पर। जो इंस्टीट्यूट है फर्क उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी का पड़ता है, एम्स दिल्ली में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन जो फैकल्टी है वो आपस में चेंज होती रहती है। लेकिन आपका जो आप एमबीबीएस में कितनी स्टडी कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारा डिपेंड करेगा अभी आपके आने वाले टाइम के ऊपर। अगर आप अच्छी तरह से एमबीबीएस की स्टडी कर पाएंगे तो आप पीजी अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप एमबीबीएस की अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो गया है NEET 21 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरह तैयारी करके आपको एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना है। मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करता हूं, तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद।